मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 1.67 × 10⁻²। गलत, वो प्रोटॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है। लिखो m इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻³। 9.1 × 10⁻³ kg। 9.1 को अप्रोक्स 9 कंसिडर किया तो भी चलेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करो। बोलो क्या है आंसर बेटा? फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकाल दिए मतलब वही फॉर्मूला। चलो बता दूं, बोलो क्या है आंसर? प्रसाद, अक्षय, देखो इधर F इज इक्वल टू क्यू मतलब 1.16 × 10⁻¹⁹, B मतलब 6.28 × 10⁻⁴, 2 × 3.14 इंटू मास मतलब 9 × 10⁻³⁹, 3.14 × 2 = 628, 2 गेट कैंसल। इसे लिखेंगे 16 × 10⁻¹⁹, 19 + 4 = 23, और ये पॉइंट का एक 24 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻³⁹, 9 × 9 = 16 − 9 = 7, डेसिमल दिया 7 becomes 70, 9 × 7 = 63, 7 इज हियर, 9 × 7 = 63, तो 1.77 × −24 − 24 कैंसल, तो ऊपर आएगा तो 10⁻¹⁹ कितना होगा? 7 है इतना आंसर। यस नो बोलो। मैं सर गलत हो थोड़ा। चलो लिखो इसे। राइट डाउन राइट डाउन। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज 10⁻⁷ हर्ट्ज, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज फुल स्टॉप। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन, टू एक्सेलरेट प्रोटॉन, टू एक्सेलरेट प्रोटॉन to accelerate proton in a circular motion, to accelerate proton in a circular motion of the radius, in a circular motion of the radius 60 centimeter, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, चलो सॉल्व करो। सॉल्व करो, चलो बोलो क्या है आंसर। बोलो क्या होगा बेटा, देखो इधर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इधर देखिए, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, टी इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो बी इज इक्वल टू इधर आएगा, तो 2πm डिवाइडेड बाय क्यू इंटू टी। तो ये देखिए, ये टी जो है ना, इस टी को हम कंसिडर करेंगे 1/t, एंड 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर 2πm इंटू फ्रीक्वेंसी एफ डिवाइडेड बाय क्यू, आप कर सकते हैं। यस प्रोटॉन प्रोटॉन है मतलब उतना ही मास है। चलो सॉल्व करो,
बोलो क्या है बेटा आंसर? देखो इधर 2 पाई, 2 × 3.14 इंटू एम मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, वही 1.673 × 10^27 इंटू फ्रीक्वेंसी 10^7 एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 × 10^-19 डेसिमल चला गया, ये बन गया 10^20। अब 16 से इस 2 को डिवाइड करो तो 16 × 1 = 16, ठीक है। 20 − 16 4 इज हियर, 16 × 2 = 32, 8 इज हियर, 16 × 5 = दिस मच, 0.125 इंटू ये 3.14 इंटू 1.673 इंटू 10^-27 एंड ये 7 मतलब -20 डिवाइडेड बाय ये 10^-20 का 20। अब ये कैलकुलेशन कर सकते हैं ना? यस नो? कर सकते यस उतना सर। मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इधर ही रुकेंगे। सर 14 आंसर है क्या उसका? आंसर 14.7। 14 पॉइंट नहीं बेटा, 0.656 आएगा। एक बार फिर से देख लो, ठीक है। यस सर। रुकेंगे आज।